शहर लाहौर के बाद कुछ बात करेंगे शाहीनों के शहर की। सरगोधा के मौसम की अगर बात करें तो आज हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत के साथ साथ हब्स में भी वाज़े कमी देखने में आ रही है। बिल्कुल, मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सरगोधा से अपने नुमाइंदा मोहम्मद कामरान मलिक से। कामरान बताएगा। अगर मैं आपको बताता चलूं मौसम के हवाले से, मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आज सुबह से ही सरगोधा में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी वाज़े तौर पर कमी देखने में आ रही है। हबस में भी कमी वाकई हुई है। दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त सरगोधा का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सरगोधा का दर्जा हरारत कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आज सारा दिन सूरज और बादलों में आँख मचोली चलने का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने भी बारिश की पेशनगोई कर रखी है। मानसून जारी बारिशों के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने भी प्रेस रिलीज जारी की है। चूँकि सरगोधा डिवीजन में 11 अगस्त से 14 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। ज़िला मियाँ वाली के नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी का खदशा भी मतवक़ है। शहरी इलाकों में भी सैलाब का खदशा है, जिससे निपटने के लिए ना सिर्फ कंट्रोल रूम का कायम कर दिया गया है बल्कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अपने नंबर भी जारी किए हैं, ताकि शहरी किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से कंट्रोल रूम से राबता कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान मलिक, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एनडीएमए की